ये है फिलिप्स का एक बजट ब्लूटूथ स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है MMS2625B। इस वीडियो में मैं इस स्पीकर के फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस स्पीकर को मैं पिछले 7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आइए जानते हैं क्या फिलिप्स का ये स्पीकर 3000 रुपीज़ के बजट में बेस्ट 2.1 स्पीकर कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक फॉर फ्रेशर यूट्यूब चैनल, मैं हूं शुभम कपिश्वे और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्पीकर को मैंने फ्लिपकार्ट से 2990 रुपये में खरीदा है, जो विद इन 48 आवर्स मेरे एड्रेस पर डिलीवर हो गया। थम्स अप फॉर फ्लिपकार्ट। बॉक्स की पैकेजिंग एज यूजुअल काफ़ी अच्छी थी। फ्री टाइम में आप बॉक्स पर लिखे फीचर्स को पढ़ सकते हैं। USB कनेक्टिविटी, FM, ऑडियो जैक जैसे कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। चलिए बॉक्स के अंदर की वस्तुओं पर नज़र डालते हैं। बॉक्स में आपको 16 वॉट का एक सबवूफर, 8 वॉट्स के दो सैटेलाइट स्पीकर्स, FM एंटीना जिसे शायद ही कभी आप यूज़ करें, ऑक्स केबल और एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। इस रिमोट में आपको सारे बटन्स मिल जाएंगे जिसे आप ब्लूटूथ, FM, ऑक्स मोड, इक्वलाइजर और वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर पाएंगे। बॉक्स में बैटरीज इंक्लूडेड नहीं है, जिसके लिए मैं फिलिप्स को शायद ही कभी माफ़ कर पाऊँ। और लास्टली यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें आप भेलपूरी खा सकते हैं। मुझे भेलपूरी पसंद नहीं है, इसलिए ये मैनुअल मेरे पास बिल्कुल सेफ है। बात करते हैं इन दोनों स्पीकर्स के बारे में, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप इन्हें किसी दीवार पर भी सेटअप कर सकते हैं। दिखने में ये स्पीकर्स भले ही छोटे हो और इनका वेट 50 ग्राम है, पर ये अपना काम बखूबी करते हैं। वायर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए अगर आप इन स्पीकर्स को रूम के कॉर्नर्स में रखने का प्लान कर रहे थे तो आपको एक्स्ट्रा वायर खरीदना होगा। अब बात करते हैं सबसे मेन कंपोनेंट यानी इस सबवूफर के बारे में, जिसका वजन लगभग 3.2 kg है और ये आपको 16 वॉट का ऑडियो आउटपुट देता है। सबसे पहले इस प्लास्टिक को हटा देते हैं जिसे आप इसका चेहरा अच्छे से देख सकें। फ्रंट पैनल में आपको सोर्स, FM स्कैनर, वॉल्यूम कंट्रोल के कुछ बटन्स मिल जाएंगे। साइड में सबवूफर का होल दिया गया है जहाँ से हॉट एयर बाहर आ सके। आप देख सकते हैं ये होल अंदर से नेट लगाकर ब्लॉक किया हुआ है, जिससे अगर आपके घर में चूहे वगैरह की परेशानी हो तो वो इस स्पीकर का कुछ न बिगाड़ पाए। बैक पैनल काफ़ी साफ सुथरा है, क्योंकि 2.1 स्पीकर्स में ज़्यादा आउटपुट इनपुट का ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ आपको सबसे ऊपर एंटीना इनपुट मिलता है जो FM के समय आप यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे ऑक्स इनपुट है जो ऑक्स मोड में काम आएगा, और नीचे दो सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट आउटपुट पोर्ट दिया गया है। मैंने इस स्पीकर को मोस्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज़ किया है, जिसकी रेंज 10 मीटर के आसपास होगी। लास्टली इसका बेस आउटपुट यूनिट बॉटम पैनल में दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस इस सबवूफर को किसी वुडन या हार्ड सरफेस में रखें, जिससे बेस की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल सके। इस सबवूफर में मैक्स वॉल्यूम 30 तक जाता है, और मैंने मैक्स वॉल्यूम पर भी साउंड क्वालिटी में कोई डिस्टॉर्शन एक्सपीरियंस नहीं किया है। ज़्यादा वॉल्यूम में इसका साउंड बिल्कुल नहीं फटता है, तो आप इसे इजीली पार्टीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट किया जाए। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप ईयरफोन्स लगा सकते हैं, जिससे आपको बेस वगैरह की सही से जानकारी हो। Thank you.
ओवरऑल इस प्राइस रेंज में फिलिप्स का ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के साथ ब्लूटूथ का फीचर मिलता है, जो आज के टाइम में स्पीकर्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि स्पीकर से फ़ोन को कनेक्ट करके आप वहीं बैठे रहो गाने प्ले करने के लिए। सो, अगर आपका बजट 3000 का है तो इस स्पीकर को आप ज़रूर चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर इस स्पीकर से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। वीडियो काम की लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।